स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक और नई स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि काफी हेल्दी है क्योंकि वो स्पिनेच यानी कि पालक से बनी है। इसकी काफी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, तो मैं आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ब्रेड पालक वड़ा या फिर आप इसे ब्रेड पालक कटलेट भी कह सकते हैं। ये काफी इंडियन स्टाइल में है तो आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे किसी भी इंडियन चटनी और केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यमी स्नैक है। आप इसमें अपनी मर्जी के साथ वेरिएशंस भी कर सकते हैं, चीज ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपल ब्रेड पालक वड़ा शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है। तो मैंने यहाँ पर पालक ली है, ये एक बाउल पालक है यानी कि अबाउट 250 to 300 ग्राम पालक है जिसको कि मैंने बारीक कट कर लिया है। हाफ कप बेसन है यहाँ पर, इसको मैं रोस्ट करूंगी। हम रोस्ट करके डालेंगे इसको। जिंजर गार्लिक, यहाँ पर फ्रेश जिंजर गार्लिक है, ये 1 टेबलस्पून है। मैं गार्लिक को भी क्रश करके डालूंगी, जिंजर को भी। जिंजर मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया है। लेमन जूस ऐड करेंगे, साथ ही मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली है यहाँ पर। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। कटलेट्स हैं आप, उनमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी इस कसूरी मेथी के कारण। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, किचन किंग, मैंने यहाँ पर किचन किंग लिया है क्योंकि मैं इसे इंडियन फ्लेवर्स में बना रही हूँ। आप चाहें तो गरम मसाला यूज कर सकते हैं और कोई हर्ब भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस की। तो यहाँ पर 1 टीस्पून किचन किंग पाउडर ऐड करूंगी एंड 1 स्मॉल साइज अनियन। ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश ब्रेड नहीं है, ये स्टेल ब्रेड है। बहुत अच्छा यूज है स्टेल ब्रेड का, बासी ब्रेड का बहुत अच्छा यूज है। आपके पास ब्रेड बच जाए तो आप इजिली ये बना सकते हैं। तो अब हम खाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इन ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी के कप में डालकर पीस लूंगी, बिल्कुल बारीक ब्रेड क्रम्स बना लूंगी इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड को हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब हम ग्राम फ्लावर को रोस्ट कर लेंगे यानी कि बेसन को भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पैन में हम बेसन डालकर भून लेंगे। यहाँ पर 1/2 कप बेसन है। अगर आप स्पिनच ज्यादा ले रहे हो तो बेसन की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं ताकि बस तब तक भूनना है हमें जब तक यहाँ बेसन से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। मैं इसी में कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, उससे कसूरी मेथी भी भून जाएगी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप चाहें तो ना ऐड करें। इसका कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू आने लगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। सिर्फ बेसन से खुशबू आने लगी है, इससे बेसन का कच्चेपन की स्मेल नहीं आती और फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे भून कर ऐड कर रहे हैं। आमतौर पर लोग जो है वो रॉ ही ऐड कर लेते हैं। ये देखिए भून चुका है, तो अब हम इसको गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम वड़ों की तैयारी कर लेंगे। पालक ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से स्पिनच जो है वो थोड़ा पानी छोड़ देगा और उसी मॉइस्चर में हम जो है ब्रेड क्रम्स को इसमें मिक्स करेंगे। अगर आप सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालेंगे तो आपका जो वड़ा है वो ढीला पड़ सकता है। ये देखिए स्पिनच जो है धीरे धीरे पानी छोड़ रही है, आप फील कर पा रहे होंगे। ये देखिए इसमें मॉइस्चर आ रहा है क्योंकि नमक ऐड करने से सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देती हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पालक ने कितना पानी छोड़ दिया है, ये देखिए। तो अब हम इसी में अपने ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर 7 to 8 स्लाइसेस ली हैं मैंने ब्रेड की, स्मॉल ब्रेड के 7 to 8 पीसेस लिए हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, अनियंस, सॉल्ट तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, चाट मसाला, किचन किंग, क्रश जिंजर एंड गार्लिक, लेमन जूस, यहाँ पर फुल 1 लेमन का जूस है। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ी ब्रेड या ग्राम फ्लावर की जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन जो है वो ऐड नहीं किया है। हम इसमें ही रोस्टेड ग्राम फ्लावर ऐड कर देंगे यानी कि बेसन ऐड कर देंगे हम इसमें, जो कि हमने रोस्ट करके रखा है। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन ऐड करने के बाद काफ़ी अच्छे से बाइंड हो रहे हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पालक वड़ा के लिए मिक्सचर रेडी है। तो अब हम इसके वड़े बना लेंगे।
मफिन्स अगर आप इन्हें थोड़ा एयरी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इन्हें फ्लफी बनाने के लिए, ताकि ये अंदर से बिल्कुल एयरी हो। तो बट मैं कोई बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो ये बड़े बनाऊँगी ये काफ़ी फ्लैट बनाऊँगी और क्रिस्प होंगे ये। तो हम अब बनाना शुरू करेंगे बड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़े बनाने के लिए हम अपने हाथों को ऐसे ग्रीस कर लेंगे। आप इन्हें बड़ों की शेप दे सकते हैं, कटलेट की शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह पहले राउंड बॉल्स बनाऊंगी, देन उनको ऐसे प्रेस करके बिल्कुल इस तरह से बड़े बनाऊंगी। हम इन्हें जितना फ्लैट बनाएंगे उतने ही अच्छे बनेंगे, तो मैं इनको थोड़ा सा राउंड शेप और दे लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट राउंड्स बना लेंगे हम इनके। लेमन साइज बॉल बना रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हाथों को, उससे इजीली बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। ये देखिए इनको हल्का प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके एजेस को फिनिश देंगे। हम इस तरह से सभी बड़े बना लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पालक बड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम पालक के जो बड़े हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बड़ों को बीच बीच में पलट लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखा है। स्टार्टिंग में हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर, जैसे ही ये बाहर से थोड़ी से कोटिंग हो जाएगी इन पर, एक कवरिंग सी आ जाएगी, उसके बाद हम इन्हें गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। ये देखिए इन पर कवरिंग सी क्रिएट हो गई है, तो अब हम इसे गैस का फ्लेम जो है वो अब मीडियम कर देंगे। ये देखिए इन पर कितना अच्छा कलर आ रहा है। एक बैच को फ्राई होने में अबाउट 5 मिनट्स लगते हैं। मैंने गैस का फ्लेम फिर से हाई कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन पर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं ये, तो अब हम निकाल लेंगे। अब हम ये पालक बड़ा जो है निकाल लेंगे इसी टिश्यू पेपर पर। इनमें से कसूरी मेथी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक बड़ा तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी पालक बड़ा जो है वो रेडी हैं। आप देख सकते हैं, दे आर वेरी नाइस। आप प्लीज़ इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। क्रिस्पी पालक बड़ा जो है वो रेडी हैं, दे आर लुकिंग रियली यमी, यू कैन सी। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अंडर द वीडियो। So thanks for watching Khana Manpasand. Thank you. Bye bye. Enjoy the snacks. Bye.